Hello students, today we are going to learn bills of exchange. Bills of exchange होता क्या है आज हम यहां पर देखेंगे. Bills of exchange में दो parties पाई जाती है, Mr. A and Mr. B. इन दोनों के बीच में यहां पर एक transaction होता है, एक trade होता है, एक व्यवहार होता है. देखिए जैसे यहां बताया गया है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी. इसका मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए का माल बेचा है ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में. सो मिस्टर ए जो यहां पर माल बेच रहे हैं एंड मिस्टर बी जो उनसे माल खरीद रहे हैं. यहां पर मिस्टर ए जो माल बेच रहे हैं वो कहलाएंगे सेलर एंड मिस्टर बी जो उनसे माल खरीद रहे हैं वो कहलाएंगे बायर. मिस्टर ए इज नोन एज सेलर क्योंकि वो माल बेच रहे हैं एंड मिस्टर बी इज नोन एज बायर क्योंकि वो माल खरीद रहे हैं. अब यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधारी में माल बेचा है 10,000 रुपए का. इसका मतलब मिस्टर बी के पास एट प्रेजेंट मिस्टर ए को देने के लिए इन कैश एंड नहीं है. यहां पर इन दोनों के बीच एक व्यवहार बनता है जिसे कहते हैं डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप. मिस्टर बी फ्यूचर में मिस्टर ए को पैसा देंगे, इसका मतलब मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए यहां पर हो जाएंगे क्रेडिटर, जबकि मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी यहां पे क्या हो जाएंगे डेटर, क्योंकि मिस्टर बी से मिस्टर ए को पैसा मिलने वाला है. अब मिस्टर ए यहां क्रेडिटर क्यों हुए एंड मिस्टर बी यहां डेटर क्यों हुए, आइए जानते हैं. मिस्टर ए मिस्टर बी को उधारी में माल बेच रहे हैं, इसका मतलब मिस्टर ए के पास एट प्रेजेंट कैश इन हैंड नहीं आ रहा है. तो यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए हो गए क्रेडिटर एंड मिस्टर बी जो इन फ्यूचर मिस्टर ए को पैसा देंगे, इसलिए मिस्टर बी यहां पर हो गए आपके लिए डेटर. अब मिस्टर ए के पास इस चीज का प्रूफ नहीं है कि उन्होंने मिस्टर बी को गुड्स सेल आउट किए हैं. है प्रूफ है? नहीं है. सो यहां पर मिस्टर ए एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेंगे एंड मिस्टर बी उनसे वो बिल एक्सेप्ट करेंगे एज अ प्रूफ. सो अ पर्सन हु ड्रॉस बिल नोन एज ड्रॉवर. सो यहां पर मिस्टर ए हो जाएंगे ड्रॉवर एंड मिस्टर बी हु एक्सेप्ट दैट बिल नोन एज ड्रॉवी क्योंकि वो उनसे बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ड्रॉवर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बिल ड्रॉ करता है एंड ड्रॉवी एक ऐसा पर्सन जो बिल एक्सेप्ट करता है. नाउ हियर मिस्टर ए इन फ्यूचर मिस्टर बी से पैसा रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करेंगे. सो उनके लिए ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल एंड मिस्टर बी इन फ्यूचर मिस्टर ए को पैसा पे करेंगे तो उनके लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल. रिसीवेबल एंड पेबल क्यों हुआ, आइए जान लेते हैं. यहां पर उनके पास एट प्रेजेंट बिल का पेमेंट हुआ नहीं है,
ये होने वाला है, इट मीन्स रिसीवेबल। एंड यहां पर मिस्टर बी ने अभी पेमेंट किया नहीं है, वो इन फ्यूचर करेंगे, तो उनके लिए ये हो जाएगा बिल्स पेएबल। तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट।